कहते हैं जिस किसी के भी सिर पे ऊपर वाले का हाथ हो उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। कोई कोई आदमी तो तीन तीन गोलियां खा के भी बच जाता है, मगर जैसे ही ऊपर वाले की कृपा दृष्टि हटी तो कुछ भी कहना मत। ऐसी एक लाश हमें मिली जो काफी कुछ बोलने के लिए तैयार है। लाश पे तीन गोलियों के निशान, मगर मजे की बात यह है निशान थे तीन गोलियों के, मरा वो सिर्फ एक गोली से। क्या? तो फिर बाकी की दो गोलियों ने क्या किया? कहानी अब शुरू होती है। बाकी की दो गोलियां उसे पहले कभी लगी थी। अब गोली लगी थी तो शायद वो कोई कोई गुनहगार था, कोई क्रिमिनल था। पिछली बार तो वो दो गोलियों से बच गया, मगर इस बार एक गोली ने उसका काम तमाम किया। फिर जब हम किसी तरीके से उसके घर पहुंचे, घर के अंदर हमें वहां पे एक फिल्म की डीवीडी मिली। फिल्म का नाम था वांटेड। जी हाँ, सलमान खान की वांटेड। मगर अभी तो फिल्म रिलीज नहीं हुई, तो फिर उसकी डीवीडी कैसे आ गई? जब ये बात सलमान को पता चली तो उन्हें भी बहुत शौक लगा। आप खुद ही देख लीजिए हमें सलमान ने क्या बताया। सरेआम बाजार में खून, गोली चली कहां से हो गई? बॉडी को पलट के देखते हैं। एग्जिट वुंड है, गोली आर पार चली गई। इसका मतलब है अभिजीत, गोली पास में से ही चली है, इसीलिए तो बाहर निकली। गोली कहीं तो आसपास मिलनी चाहिए। अच्छा देखो जरा आसपास, कहीं तो तुम्हें गोली मिलेगी। देखो निकली नहीं, देखो जरा। आदमी क्रेडिट कार्ड लेकर घूम रहा है, माधव नाम है इसका। चलो कम से कम इसके बैंक से तो पता चल जाएगा इसके बारे में कुछ तो। सर इतने सारे लोगों के सामने एक खूनी ने खून कर दिया इस माधव का, ये खूनी कोई मामूली खूनी नहीं लग रहा सर। हाँ ये बात तो है, नहीं तो ऐसे सरेआम बाजार में इसका खून क्यों करता? क्योंकि अगर वो चाहता तो किसी सुनसान जगह पे जाकर के इसका खून कर देता। तो शायद खूनी इस आदमी को ढूंढ रहा होगा काफी दिनों से, आदमी अचानक दिख गया तो इसे। अरे मैंने कहा था ना तुमसे, तुम क्यों यहाँ पर? चलो चलो नहीं नहीं मुझे देखना। अरे नहीं ये सब खून वो नहीं देखा करते बच्चों, चलो बच्चों का काम है। चलो चलो मैंने देखा। अरे तुमने कुछ नहीं देखा, चलो यहाँ पे। मैंने देखा कुछ नहीं देखा, चलो क्या देखा बेटा? नहीं पर वो बाइक पे बैठा था। बाइक पे बैठा था, मोटरसाइकिल पर? हाँ। अच्छा कैसी मोटरसाइकिल थी वो? ऐसी बाइक होती है। अरे नहीं, नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि किस रंग की मोटरसाइकिल थी, किस टाइप की, कुछ याद है? अच्छा उसका नंबर याद है मोटरसाइकिल का? नहीं। अच्छा वो आदमी दिखता कैसा था?
अच्छा ठीक है, मत बता। ये बहुत बहादुर बच्ची है आपकी, है इसको बहादुरी का इनाम मिलेगा, है बेटा। अच्छा एक काम करो, आप लोग हमारे साथ ब्यूरो में आओ और वहीं पे सब कुछ बता देना। लेकिन मेरी बच्ची को कुछ होगा तो नहीं ना? हम लोग किस लिए हैं, है? हम लोग हैं ना। अरे कुछ नहीं बेटा, बस हमारे ब्यूरो में आना है और हमारे पुलिस आर्टिस्ट के साथ बैठना है। जैसे तुम बताओगी वैसे हमारा आर्टिस्ट उस आदमी की शक्ल बनाएगा, है? और अगर तब तक तुम्हें वो मोटरसाइकिल का नंबर याद आया या उस मोटरसाइकिल के बारे में कुछ याद आया तो हमें जरूर बता देना, है? गुड गर्ल। देखो देखो, इसके तलवे इकट्ठे हुए और कुछ घाव में तो अभी भी कांच के टुकड़े फंसे। साहब, ये माधव कांच के टुकड़ों पे क्यों चला होगा? चला नहीं होगा फ्रेडी, कांच के टुकड़े पे चलने के लिए या खड़ा होने के लिए इसे मजबूर किया होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, जैसे शोले में वीरू को बचाने के लिए बसंती नाची थी कांच के टुकड़ों पे। कमाल है, मैं कुछ बोल रहा हूँ और ये बसंती के चक्कर में पड़ा हुआ। तशा, इधर फ्रेडी के वाइफ को फोन करो। नहीं नहीं नहीं, सॉरी सर, गलती होगी सर। हाँ तो सर, क्या कह रहे थे आप? क्यों निकल गई हवा? बीवी का नाम आती हवा निकल जाती है इसकी। एनीवे, बस मैं बता रहा था, ये निशान देखो, ये कुछ अजीब तरीके के निशान। बस मुझे लगता है इसे किसी ने रस्सी से बांधा ताकि ये भाग न सके। जी हाँ, एक बात और बस। ये देख रहे हैं आप, ये यार साड़ूखे, ये तो गोली लगने के निशान है। बिल्कुल बस, और इसमें से ये वाला जो निशान है ये एकदम ताजा है, ये गोली से अभी लगी है। और ये दो निशान पहले के हैं, ये गोलियां इसे पहले लगी हैं। अगर इसे ये गोलियां पहले लगी हैं तो साड़ूखे इसका मतलब है ये पहले किसी गुनाह में शामिल था। और इतना ही नहीं बस, ये गोलियां किसी ने इसे पीठ पर से मारी है, पीछे से। ये निशान तो एग्जिट वुंड है। एक मिनट, ये देखो, ये देख रहे हो? इसका मतलब है किसी ने चुपके से इसे गोली मार दी थी। बिल्कुल ताशा, किसी ने इसकी मौत का वारंट निकाल दिया, खूनियों को सुपारी दी और कहा जाओ जाकर के मार दो इसे, मगर ये बंदा मरा नहीं। सर ये देखिए, ये पेन जो हमें माधव के पॉकेट में से मिला है, ये एक स्पाई पेन, इसमें कैमरा लगा हुआ है यहाँ पे। इससे चुपके से रिकॉर्डिंग की जा सकती है और किसी को पता भी नहीं चलेगा। सर ऐसे पेन तो कहीं भी आसानी से मिल जाते हैं सर। मगर ये जो पेन है ये जरा अलग है, ये इतना भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब है कि माधव कोई जासूस था, कोई स्पाई। सर जो क्रेडिट कार्ड हमें माधव की जेब में से मिला है वो नकली है। वो नकली है? यस। तो फिर ये माधव पेन कैमरा और नकली क्रेडिट कार्ड लेकर कर क्या रहा था? अभी जैसे उस मोटरसाइकिल के बारे में कुछ पता चला? फिर दयानंद ले गए आरटीओ पता करने के लिए। चलो ठीक है, तब तक हम इस पेन कैमरा के बारे में पता लगाते हैं। क्या नंबर बताया? नंबर है MA02BC और आखिरी के दो नंबर है 88। बस इतना ही? पूरा नंबर नहीं, बस यही है। इससे कैसे पता चलेगा? अच्छा, आप ऐसा कीजिए, हमें उन लोगों के नाम और पते दे दीजिए जिनके मोटरसाइकिल का नंबर MA02BC से शुरू होता है और 88 पे खत्म होता है। ओके सर, मैं देखता हूँ। अरे वाह, पांच नंबर आए। पांच नंबर? अभी जरा नाम और पता नोट कर लो। लगता है ये पेन यहीं से खरीदा गया है। आइए सर, क्या चाहिए आप? हमारे पास एक से बढ़कर एक एंटीक पीस मिलेगा। आप वो जेम्स बॉन्ड जैसी जासूसी करने वाली चीजें नहीं रखते? नहीं नहीं सर, ऐसी चीजें हम नहीं रखते। देखो हमें सब कुछ पता है समझे, सिर्फ ये बताओ
क्या ये पेन, ये कैमरा वाला पेन क्या तुमने बेचा है? नहीं सर, ये हमारे यहाँ का नहीं है सर। देख, सच सच बता, वरना तेरा थोबड़ा एंटिक बना दूंगा मैं। सर ऐसी चीजें हम रखते नहीं है सर, आप देख सकते हैं। नहीं रखते? नहीं नहीं सर। ये पेन मेरे ही बनाया हुआ सर। तुमने खुद बनाया था? हाँ। किसे भेजा था ये पेन? एक आदमी ने ऑर्डर देके मुझसे बनवाया था सर ये पेन। ये फोटो देखो, क्या वो ये आदमी था? हाँ सर, यही आदमी था सर, लेकिन सो क्यों उड़ाया सर ये? सोया नहीं है, मर गया। खून? हाँ, किसी ने खून कर दिया है इसका। सर इस कैमरे की वजह से खून हुआ है इसका। बकवास बंद, नाम क्या है इस आदमी का? इसका नाम मुझे मालूम नहीं है सर। नहीं मालूम सर। इसे दो तीन चीजें मुझसे बनवाई जरूर है, लेकिन कभी नाम नहीं बताया सर इसने मुझे। रहता कहाँ है? एड्रेस क्या है इसका? सर एड्रेस भी नहीं मालूम मुझे। नाम नहीं मालूम, एड्रेस नहीं मालूम, कुछ भी नहीं मालूम इस आदमी के बारे में, तो जानते क्या हो तुम? अच्छे, इस आदमी ने बिल कैसे भरा? सर पैसे कैश दिए थे सर इसने मुझे। कैश? सर इसने मुझे पैसे देने के लिए एक चौल में बुलाया था सर। कौन सी चौल में? शांति नगर चौल सर। शांति नगर चौल। सर यहाँ तो रॉन्ग नंबर लग गया। बस घबरा गए? नहीं सर, मैं और घबरा गया, ये हो ही नहीं सकता है सर। गुड, विवेक अभी भी चार घर बाकी है, चार बहुत होते हैं, कुछ ना कुछ जरूर पता चलेगा। ये अगला आदमी का एड्रेस क्या? अगले आदमी का एड्रेस सर 24 खंडे पार्कर मार्ग सर। चलो देखते हैं ये एड्रेस गलत है या सही है। यस सर। सालों से ये स्पाई शॉप वाला इस आदमी को सामान बेच रहा है, एड्रेस नहीं पूछा इसका। अगर इतना बड़ा भी है क्या, ढूंढ तो लेंगे हम लोग। अरे सुनिए भाई साहब, इस आदमी को कभी देखा है यहाँ पे? इसका नाम माधव है, नहीं तो कौन है ये? कोई नहीं, कोई नहीं तो फिर पूछा क्यों? अरे ठीक है यार, गलती हो गई। क्या गलती हो गई, दोबारा मत करना। अरे रेडी आ जाओ। तो ये वाला घर आखिरी वाला है सर। फिर घबरा गए? नहीं सर, मैं तो बस ऐसे ही बोलता रहता हूँ सर, सोचा शायद आपको याद ना हो तो। मुझे सिर्फ सीधी बातें याद रखता हूँ मैं, ऐसे उल्टी नेगेटिव बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। ठीक है सर, आगे से ऐसी बातें पेट में फालूंगा सर। राइट। चेक करो नंबर वही है क्या? मैं 02BC1688 वही नंबर है। चलो देखते घर पे कोई है या नहीं। और तो बंद है। सुनो भाई, इस माधव को जानते हो? नहीं। सब सब मैं जानता है। सब सुनिए, पीछे पड़ गया सर। सब साहब, साहब मेरे को मालूम है साहब, लेकिन मेरे से पूछेगा तभी तो बताएगा ना साहब, अभी नहीं पूछेगा तो फिर कैसे बताएगा साहब? चुपचाप पतली गली से निकल जा, मुझे नहीं पूछना तेरे को। साहब मेरे को मालूम है कि माधव कौन है साहब, मैं माधव को अच्छी तरह से जानता है, और ये भी मालूम है कि उसका खून हुआ है साहब। तुम कैसे जानते हो ये सर? अब वो साहब सर इसे पौवा पिलाएंगे तो सब याद आ जाएगा इसको। तुम्हें मालूम है माधव कहाँ रहता? हाँ सब मालूम है, लेकिन गला सूख रहा है सर। रेडी, संभालो सर। ये ले भैया, बोतल ब्रिगेड के आदमी ले ले। सब चौल नंबर 4 और रूम नंबर 20। रूम नंबर 20? हम ये जानना चाहते हैं कि उस घर में रहता कौन है। देखिए सर, ये बात किसी को भी मालूम नहीं कि इस घर में कोई रहता है या नहीं। ऐसा क्यों सर? हमने जब भी इस घर को देखा ये घर हमें बंद ही मिला,
मतलब यहाँ पे कोई नहीं रहता? नहीं रहता है सर। अजीब चक्कर है, अभी तो आपने कहा कि नहीं, नहीं मेरा बोलने का मतलब ये है साहब कि इस घर में जो रहता है वो कब आता है कब जाता है ये किसी को नहीं मालूम। तुमने उस आदमी को देखा है? जी सर देखा है ना, देखा है, एक बार देखा है। तुम उस आदमी का हुलिया बता सकते हो? हुलिया बता के स्केच बनवा सकते हो? सर कोशिश कर सकता हूँ। विवेक इनका नंबर ले लो और ब्यूरो बुलाओ। साला फ्रेडी आज खाना खाया कि नहीं? वही मैं पूछ रहा था सर कि अभी तक आपने मुझसे पूछा कैसे नहीं। क्यों सर, एक तो वैसी पेट में चूहे दौड़ रहे, ऊपर से आपने खाने का नाम लिया तो पेट में आग लग गई। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें पूरी भाजी पूछने वाला हूँ? पूरी भाजी? एक मिनट, दरवाजा तोड़ सकते हो कि नहीं? सर खाली पेट। ठीक है मैं तोड़ता हूँ। नहीं नहीं, 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 मैं तोड़ता हूँ। नहीं सर ऊपर कुछ नहीं है, मैं अंदर देखकर आता हूँ सर। एक संदूक है सर, ताला लगा हुआ है। विवेक देखो आसपास कोई रॉड है क्या ताला खोलने के लिए, जल्दी। लेकर आ ही रहा था। एक मिनट एक मिनट, ये तो खून है और आदमी की खाल है। इसे संभाल के रखा। अलग अलग गेटअप में लगता है ये माधव जरूर दो नंबर के काम में शामिल होगा, नहीं तो ये सब नहीं करता हुआ। एक मिनट रेडी। अरे कहां मर गए हो तुम, फोन क्यों नहीं उठा रहे हो मेरा? ये मुझे धोखा देने का इरादा तो नहीं है ना तुम्हारा? देखो मेरा दिमाग मत खराब करो, जल्दी से फोन करो मुझे, मैं इंतजार कर रही हूँ।
लगता है इस लेडी ने माधव को कुछ काम दिया होगा। उसे मालूम नहीं कि माधव मर चुका है। पता करो कहां से आया था ये फोन। बहुत कुछ लिखा है डायरी में, बहुत कुछ पता चल सकता है। किसको पैसे दिए, किस किस से पैसे लेने हैं, सब कुछ लिखा है इसमें। अब तो पता चल गया है सर, ये आदमी बहुत बड़ा गुनहगार है। इतने सारे पैसे हैं, 2-3 मोबाइल फोन्स, उसमें सिम कार्ड भी अलग अलग है। ये आदमी काफी पहुंचा हुआ है, गड़बड़ है ये आदमी। और ऊपर से रॉल्फ जिसपे खून लगा हुआ है। विवेक, इतना हमारी नजर से कुछ छूट गया है, हमें जरूर कुछ मिलना चाहिए। इस घर को एक बार फिर से अच्छी तरह से चेक करते हैं। ओह, तो ये खुफिया कमरा है, यहाँ पता ही नहीं चल रहा। ऐसा लगता है यहाँ पर किसी को बांध कर रखा था। विवेक, तुम्हें याद है माधव के हाथों और पैरों पे रस्सी से बांधने के निशान थे? हाँ सर। सर कहीं ये माधव ही तो नहीं है जिसे यहाँ पर बांध कर रखा था? हो सकता है। विवेक एक काम करो, अभी अभी घर के बाहर जो आदमी मिला था उसे ब्यूरो में लेके आओ और उससे इस आदमी का स्केच बनवाओ। जी कहिए। शिखा है घर पे? जी हाँ है, मगर आप लोग? हम लोग CID से हैं। CID? प्लीज आइए आइए। घर तो काफी आलीशान है सर। हाँ, अब देखते हैं शिखा और माधव का क्या कनेक्शन हो सकता है। CID का मुझसे क्या काम हो सकता है? आप शिखा जी हैं? जी हाँ, मैं हूँ शिखा, बताइए क्या बात है। हम आपसे माधव के बारे में कुछ पूछने आए हैं। माधव का तो नाम सुना होगा आपने। माधव? कौन माधव? अरे यही बात तो मैंने ACP साहब से पूछी थी। तो फिर क्या हुआ? वही हुआ जो हमेशा होता रहता है। हंसने लगे मुझ पे, कहने लगे कि आज शिखा ने माधव को फोन किया था। मैंने फोन किया था? देखिए मैं किसी माधव को नहीं जानती। जरा फोटो दिखाओ इन्हें अभिजीत। कुछ याद आया? पहचानती है ना इसे आप? हाँ पहचानती तो हूँ, लेकिन ये माधव नहीं, ये रविंद्र है। क्या रविंद्र? लेकिन ये रविंद्र को क्या हो गया? खून हो गया इसका। What? खून? जी हाँ। वैसे आपका इस रविंदर के साथ क्या क्या संबंध क्या है? देखिए ये जासूस था, प्राइवेट डिटेक्टिव, और मेरे बॉस ने इसे काम दिया था। आपके बॉस ने रविंदर को काम दिया था जासूसी का? वैसे आपके बॉस काम क्या करते हैं? वो एक फिल्म प्रोड्यूसर है, मिस्टर बोनी कपूर, नाम तो सुना ही होगा आपने। अच्छा अच्छा, बोनी कपूर। ये क्या काम दिया था मिस्टर बोनी कपूर ने इसको? हमारी एक नई फिल्म रिलीज होने वाली है, Wanted. तो उस फिल्म की पायरेसी को रोकने के लिए बॉस ने 5 लोगों को हायर किया था। ये रविंद्र उसमें से ही एक है। कहीं आप इस फिल्म की बात तो नहीं कर रहे? हाँ मैं इसी की बात कर रही हूँ, लेकिन ये सीडी आपके पास कहाँ से आई? रविंद्र के घर से। और रविंद्र के पास कहाँ से आई? अब अगर वो जिंदा होता तो जरूर पूछ लेते उससे। इस समस्या का हल सिर्फ एक ही के पास है, ACP Pradyuman. कौन बोल रहा है? सर सलमान बोल रहा हूँ सर। सलमान? कौन सलमान? सर सलमान खान बोल रहा हूँ सर। सर एक्टर सर। एक्टर सलमान खान? मैं कैसे मान लूँ कि तुम एक्चुअली एक्टर सलमान खान ही बोल रहे हो? सर आपको कैसे यकीन दिलाऊं सर? सर एक कोई गाना गा के सुनाऊं आपको, या कोई डायलॉग बोल के सुनाऊं, या कोई सर डांस वगैरह करके सुना? सर सलमान खान ही बोल रहे हो सर। चलो मान लिया सलमान खान ही बोल रहे हो, लेकिन सलमान अच्छा क्या तुम नहीं बोल रहे? हमें तुम्हारी मदद चाहिए। सर मैंने आपको मदद के लिए फोन किया, सुना कोई गड़बड़ हो गई? हाँ वैसे ही कुछ, लेकिन मैं तुमसे पर्सनली मिलना चाहता हूँ। सर मैं घर पे हूँ सर।
मोर देन वेलकम एनीटाइम। ठीक है तो अभी चले आते हैं। थैंक यू। Love me, love me, love me. Your mama says you love me. Papa says you love me. So love me, baby, love me. मुझे ये पसंद नहीं है। बहुत गंदा पिक्चर है। अरे ये किलर है। ऐसी अच्छी लग रही है। मैं कहूँ? तो यार तो गड़ी है। यार लेकिन मेरा भी नाम आना चाहिए यहाँ पे। देख भाई मेरा तो फ्रंट पे है साजिद भाई। इसको यहाँ पर रख देता हूँ। सर, कंट्री इज़ प्राउड ऑफ यू सर। क्या काम करते हैं आप? थैंक यू वेरी मच। नाइस टू मीट यू। दिस इज Inspector Abhijit. Abhijit. Yeah, Inspector Daya. Hi, Daya. That's Vivek. Hi, Vivek. And there's Inspector Freddy. Hi, Freddy. And this is the team I wanted. Sajid. Mehak. Inder. I'm Sir Faraz. तुम्हारी एक फिल्म रिलीज होने वाली है ना? Wanted. जी सर, 18 सितंबर को। इन्होंने बताया कि फिल्म पायरेसी रोकने के लिए आप लोगों ने 4-5 प्राइवेट डिटेक्टिव हायर किए। जी मौसी जी। Yes sir. किसने? बोने कपूर जी ने। क्यों होंगे सर कैपेबल? क्यों कोई गड़बड़? जी हाँ, उनमें से एक के घर से हमें ये डीवीडी मिली है। डीवीडी आ गई? अभी तो पिक्चर भी नहीं रिलीज हुई, कहाँ से आएगी डीवीडी? ये 18 तारीख को रिलीज होने वाली है। ये उसके पास कैसे आ गई? इसीलिए तो हम तुमसे मिलने आए हैं। पायरेसी तो नहीं होगी? ये भी हमारी पिक्चर वांटेड में। आइए किसको लगाने आता है ये? मैं लगाता हूँ। आइए सर। कम देखते हैं। कम सर, पायरेटेड है। मेरी साउथ में होता ना, लोग 6 साल की सजा। इतनी गंदी क्वालिटी आने के बाद भी तुम्हें पिक्चर होल्ड कर रही है ना? मैं चुप ही बैठ जाती हूँ। निकाल पर उसको निकालो, जमीन पर उसने डीवीडी लगाना। क्या करेंगे सर? पहले ये पता करना चाहिए कि ये सब कर कौन रहा है। सलमान सिर्फ इतना ही नहीं, ये फिल्म पायरेसी का गेम अब और भी खतरनाक होते जा रहा है। मैंने ये पायरेटेड कॉपी जिसके पास मिली उसका खून हो गया है। What? Unbelievable. सर हमें ये सब मिला है उस खूनी के घर से। ये खूनी बहुत पहुंचा हुआ आदमी लगता है। हाँ सर, अच्छा मुझे लगता है कि रविंदर को भी उसी घर में पकड़ के रखा गया था सर। ये बताओ ये पार्थ नगर लोखंडवाला से कितनी दूरी पर है? तकरीबन आधा घंटा है सर। आधा घंटा, तो इसका मतलब है दया, रविंदर जब पार्थ नगर से मतलब खूनी के घर से भाग रहा था लोखंडवाला की तरफ, कुछ ही देर बाद खूनी को पता चल गया और उसने रविंदर का बाइक पर पीछा किया और मौका मिलते ही लोखंडवाला सर्कल पे उसे गोली मार दी। अच्छा उस खूनी के घर से तुम्हें कोई फोटोग्राफ वगैरह मिला? नहीं सर, मगर एक आदमी मिला है सर जिसने उसे देखा है। विवेक उसके साथ बैठ के उस खूनी का स्केच बनवा रहा है। आप सभी लोग पायरेसी करने वालों के पीछे लगे हुए थे, कुछ पता चला? नहीं सर, अभी तक तो कुछ भी पता नहीं चला। कमाल, 4-4 लोग लगे हुए हैं, कुछ पता भी नहीं चला। इस बीच आप लोगों ने रविंदर से फोन पे बात करने की कोशिश की थी क्या? सर हम 3-4 दिन से फोन पे बात करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो फोन ही नहीं उठा रहा था। फोन नहीं उठा रहा था तो आप लोगों को उसके घर जाना चाहिए था, पता करना चाहिए था उसके साथ क्या हुआ है।
नहीं सर, हमसे कहा गया था कि आपस में मिलो मत, सारी जासूसी चुपके चुपके ही करो। सारी बातें हमारी फोन पे हुआ करती थी और कोई सुराग मिलने के बाद हम लोग साथ में मिलने वाले थे। सर, स्केच बन गया। ग्रेट। आप लोग एक काम करिए, अभी आप लोग जाइए, आपको बाद में बुलाते हैं। और एक बात, अपना ध्यान रखिएगा। कुनी को आप लोगों के बारे में पता चल गया है। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो ये रहा कुनी। तो ये है वो क्विक। देखो, ऐसा दिखने वाला कोई आदमी है क्या हमारे रिकॉर्ड में? हीरा, ये तो एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है और इसीलिए इसने दिन दहाड़े रविंदर का खून किया। सर, मैं पता लगाता हूं ये हीरा कहां मिलेगा। ठीक है सर, तुम इस हीरा को ढूंढो और अभिजीत, इस वीडियो पायरेसी की जड़ तक जाने की कोशिश करो। देखो कहां तक फैला हुआ है ये। कलम साहब। चाय पिएगा? चाय तो सेहत के लिए खराब है साहब। दारू पीना बंद करते अभी, समझा? और दिन में 3 बार ग्रीन टी पिया कर। आजा। ग्रीन टी? हाँ। ये कौन है? हरी चाय। हीरा का नाम सुना? हीरा? हाँ, सुपारी किलर, जो मर्डर का कॉन्ट्रैक्ट लेता है। हाँ, जानता है उसे? हाँ। कहाँ मिलेगा? मलाड़ के वीडियो पार्लर। वीडियो पार्लर? कौन से वीडियो पार्लर? सुलाबा, गबरो और तबरो। ये तो 3 हुए। अरे साहब, इनमें से किसी एक में बैठा हुआ मिलेगा। धंधा शुरू करने दुकान और यहाँ पे। हाँ, ये अपना सीडी का दुकान। तो मैं क्या कर रहा हूँ? नकली सीडी का दुकान खोल रहा हूँ। कौन है वे? तू घुसते ही चला आ रहा है। तेरा सप्लायर कौन है? मिलेगा मेरे सप्लायर से? मेरे को नहीं मिलने का है, मेरा धंधा यहाँ पे जमा हुआ है, तो मेरा सप्लायर भी फिक्स है। अच्छा, तेरे सप्लायर के पास नई पिक्चर का सीडी है क्या? वांटेड का सीडी मिलेगा क्या मेरे को? जिसमें सलमान? हाँ वही, सल्लू भाई वाला। अरे यार, वो पिक्चर तो अभी थिएटर में भी नहीं लगी, उसकी सीडी कहाँ से निकलेगी? अरे क्या बना रहा है मेरे को, मैं कल पैदा हुआ हूँ क्या? अरे मैं सच बोल रहा हूँ, उसकी वांटेड की सीडी अभी मार्केट में नहीं आई है। मैं यहाँ दुकान नहीं लगा रही। चल ठीक है, फिर मिलता है। नहीं, कहाँ से बुकिंग वगैरह ठीक हुआ? कितना बुकिंग हुआ? हीरा है। कौन हीरा? नहीं साहब, ये आदमी यहाँ नहीं है। इस आदमी को पहचानते? नहीं साहब, पहली बार देख रहा हूँ इस आदमी को। ठीक है। हेलो, हेलो हीरा, हेलो हीरा, हीरा नहीं पहचानता हीरा को। हाँ, हीरा को नहीं पहचानता? बोल। हाँ साहब, जानता हूँ साहब। किससे बात कर रहा था सर? हाँ साहब, वो यहाँ पे आने वाला था, मैं उसे फ़ोन करके मना कर रहा था कि यहाँ सीआईडी के लोग उसे पूछ रहे हैं।
वो कभी भी यहाँ आ सकता है सर। तुरे क्या हुआ, क्यों फोन किया? छोड़, भागने का बहुत शौक है तुझे। सुनना कौन है तू? मैं कौन मतलब? तू कौन है? अपुन कौन है उसे छोड़ना है यार, तेरे को वांटेड का सीडी मांगता है ना। खीसे में रख के थोड़ी ना घूमने लाया है, तेरे को चलना पड़ेगा, मैं दिलाता है तेरे को। चलना पड़ेगा अभी, चलू मुहूर्त निकलवाएगा क्या? चलना मुझे किसी ने पैसे दिए थे उसे मारने के। किसने दिए थे पैसे? मुझे नहीं मालूम। पैसे किसने दिए थे? मुझे नहीं मालूम सर। एक आदमी का खून कर दिया और तुम्हें मालूम नहीं कि पैसे किसने दिए थे खून करने के लिए तुझे? कोई भी तुझे खून करने के लिए बोल देगा तो खून कर देगा उसका? सर मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम, मैं कुछ नहीं जानता उसके बारे में सर। झूठ बोल रहा है तू? बस बस मुझे इतना मालूम है कि उसने मुझे आधे पैसे दिए और बचे हुए पैसे अब देने वाला है। कहाँ देने वाला है वो पैसे? आज रात को उसने बुलाया लोकर रोड पे। हाँ सर। विवेक तुम यहाँ रुको और देखते रहो वो लोग अभिजीत को कहाँ कहाँ लेके जा रहे हैं, और दया उठाओ इसे। यार ये कहाँ है सीधी? घबराता काय को यार, चलना ऊपर। अरे क्या डर रहे ला बाबा, समझ गया पुराना मामला यूना है। और आया आया आया, ये पानी बरसने लगे ना। अरे अरे बाबा क्या पर्सनलिटी लग रही है तेरी, चश्मा बिश्मा मूंछ की एकदम रजनीकांत लग रहे ना बाबा, आ जाओ। ए फिल्मी आदमी हो ना, इसके लिए सीडी का बिजनेस करना है। अब जब बॉस देख के खुश हो जाएगा, मजा आएगा, चल।
क्या गुड बॉय कैसा है? क्या कर रहे भाई, गुदगुदी हो रही? आया भाई से मिलवा था तेरे को, आज सीढ़ी मिलेगा ना? अरे क्यों रे, चला भाई। हाँ इधर चलो ना साहब। कौन है वे? भाई इसको सीडी मांगता है, जेब में पैसा रख के घूम रहा है। कोई पुलिस पुलिस का चक्कर तो नहीं है ना? अरे क्या बात कर रहे भाई, देख नहीं रहे एकदम गाय गरीब लग रहे, इसीलिए तो आपके पास लेके आया है भाई। कौन सा सीडी चाहिए इसको भाई? वांटेड का सीडी चाहिए, वांटेड का। वो सलमान का पिक्चर आ रहा है ना नया, वांटेड। अबे वांटेड का सीडी नहीं है यहाँ पे। ए! क्या हो रहा है? इतना दूर लेकर आया, अभी बोलता सीडी नहीं है, उधर मेरा पार्टी पैसा लेके इंतजार कर रहा है, अगर नहीं है तो मैं जाता, थाने तो जाता है। बोला सीडी यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि सीडी मिलेगा ही नहीं। आज बिल्कुल ताजा माल आ रहा है। ताजा माल, ठीक है ना, चल दूसरे अड्डे पे चलते हैं। क्या यार ये आदमी घोड़े पर चढ़ के आ रहे क्या? घोड़े पे जाना है? अरे लगाम लगाना है रे भाई, क्या कर रहे हैं भाई? चलो ना भाई, चलो ना, चल 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 भाई, चल चल। ब्रेक्स, अरे मुर्गा आने वाला है क्या? नहीं आएगा, आएगा सर, जाएगा कहाँ? सर मुर्गा आ गया, आ गया। हीरा को ढूंढ रहा है, मुझे हीरा ने भेजा है। हीरा कहाँ है? कहीं छुपा हुआ है, मुझे पैसे लाने भेजा है। आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना, इसमें पूरे पैसे हैं। रुक जा। कौन? C.I.D. फ्रेडिक छोड़ना नहीं होता है। फ्रेडिक चल आप जाओ। क्या हुआ? हाँ हाथ से निकल गया। निकल कैसे गया सर? मेरे हाथ स्ट्रॉन्ग है। अभी काय के स्ट्रॉन्ग है, तुम्हारे नाक के नीचे से निकल गया। भाग गया तो क्या हुआ सर? मेरे हाथ में उसकी जेब आ गई है सर। अब उसकी जेब को लेकर मैं क्या करूँ? जेब के साथ साथ मुझे ये कार्ड भी मिला है। शिखा? प्रोड्यूसर की सेक्रेटरी? प्रोड्यूसर की सेक्रेटरी? ओ तो कहीं ये प्रोड्यूसर की सेक्रेटरी मिली तो नहीं है इन पायरसी वालों के साथ? प्रोड्यूसर के सेक्रेटरी का विजिटिंग कार्ड ये आदमी अपने जेब में लेके क्यों घूम रहा है? अरे भाई कहाँ जा रहे हैं, हैं? अरे चुप बैठना यार, तू कितना बोलता है बाबा, सीढ़ी मांगता ना तेरे को तो सीढ़ी दिलाने ले जा रहा था ना यार। अरे मैं आंख बंद कर लेता भाई, पट्टी क्यों बांध दी? अरे तू आंख बंद करके इतना बात कर रहे ना, खोल के कितना करेगा तू, बैठना बाबा। क्या यार तू यार, और तू ये क्या मरी हुई स्पीड पे गाड़ी चला रहा है? देखो पता है ना 15 मिनट में बॉस के पास कोलाबा पहुंच रहा है। मालूम है भाई, पर देखो ना कोलाबा जा रहा हूँ, कोलाबा। और कितना टाइम लगेगा तुम लोगों को? मैडम हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, दिन रात उसी में लगे हुए हैं। बस कोशिश ही करते रहो। अरे तुम लोग और भी कुछ कर सकते हो या नहीं? वो बेचारा रविंदर, अरे तुम लोगों से ज्यादा इन्फॉर्मेशन तो उसने निकाल ली थी। कैसी इन्फॉर्मेशन मैडम? मरने से पहले उसने उन खूनियों के नाम ढूंढ निकाले थे। व्हाट? खूनियों के नाम? हाँ, मगर वो नाम उसने कहीं छुपा कर रख दिए।
कहाँ छुपा कर रखे हैं उसने उन नाम? यही तो सीआईडी वाले भी ढूंढ रहे हैं। बस कभी भी वो लोग वहां पहुंचने वाले होंगे, फिर वो मुझे बता देंगे कि खूनी कौन है। हेलो एसीपी साहब, क्या पता चल गया कौन? व्हाट? माय गॉड, सॉरी, अपने आप को बचाने के लिए दूसरा मारना पड़ता है। क्या कर रहे हो? आई एम सॉरी, I'm really very sorry. करना पड़ता है मैडम, अपने आप को बचा दीजिए। बड़ा डिटेक्टिव बना होता है तू, हाँ? बोल, क्यों मारा रविंदर को? हाँ? बोल। तुमको मालूम पड़ गया था कि हम लोग पारसी वालों को मिले हुए हैं। सर वो कहने लगा, अगर हमने ये सब बंद नहीं किया, तो वो जाकर सब कुछ शिखा मैडम को बता देगा। तो मरवा दिया उसे, गिरा से। ये जितनी भी सीरीज है पायरेटेड, कहाँ आने वाली आज? कौन सी मिल में? नहीं मालूम, नहीं मालूम, नहीं मालूम, बता, बता। आवेक, कहाँ पे? कुलाबा, ठीक है, अब जीत को लेके जा रहे हैं कुलाबा में। कुलाबा? मतलब सर ये मिल भी कोलाबे में कहीं होनी चीज़ है। लेट्स गो। अरे बाबा, पांच बेटी, पांच बेटी किधर से लेके आएगा मैं? हैं? होएगा नहीं। नहीं, जो भी बात करने का सोच समझ के करने का, ऐसा होता नहीं है ऐसा। हाँ, एक मिनट, एक मिनट। हाँ भाई, कितना मिनट डाला? बॉस 200 हो गया, 300 और बाकी है। अरे जल्दी कर, जल्दी कर। हाँ चला, जल्दी आ चला। बॉस चाय नाश्ता कुछ सुबह से? अरे चाय भाई तेरे को पिलाएंगे ना रे, पहले काम खत्म कर। तुम्हें तेरे को क्या बोल रहा था? बस आ गया बाबा, थोड़ी दूर हो रहे हैं, देख। आ गया बाबा, बॉस के पास। आवाज सीढ़ी मिलेगा ना भाई? अरे पक्का मिलेगा ना यार। सलाम बॉस। सलाम बॉस, सलाम। आ जा, आ जा, आ जा, आ जा। अरे कौन है ये? बॉस वो, इसको सीढ़ी चाहिए। सीढ़ी बोले तो कौन सा सीढ़ी? मेरे को वांटेड का सीडी चाहिए। मेरा सेठ इसके लिए बहुत पैसा देने को तैयार है। कौन है तेरा सेठ? अरे बॉस तुमको क्या लेना मेरा सेठ कौन है? तुम सीडी दो, मेरा पार्टी पैसा लेकर तैयार है। ए, तभी से बात करने का। बोले तो कौन है तेरा सेठ? बोला कौन है? बोला मेरा सेठ तेरा बाप। खेल खत्म, चलो। सर सर ये तो कमाल हो गया, कमाल हो गया सर। अरे यहाँ भी देखो, वहाँ भी देखो, अब तो सारे जहाँ में देखो क्या तेरा ही जलवा जलवा जलवा, तेरा ही जलवा जलवा। सलमान, जिस दिन इस फिल्म पायरेसी के पूरे खेल को हम खत्म कर सके, उस दिन हम समझेंगे कि हम पूरे कामयाब हो। अरे थैंक यू सर, हो जाएंगे सर। और एक बार जब मैं कमिटमेंट कर दी तो उसके बाद मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। अरे नहीं भाई, हम तो प्रोमोस देखते हैं वांटेड के। और एक बात बताओ। जी सर।
तुम्हारी भाभी तुम्हारी बड़ी फैन है। थैंक यू सर, मेरा बहुत प्यार नमस्कार देना सर। थैंक यू सर। ये तो अपने हाथ से चला दो ये नकली। आई 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 और हमारी दिवाली दिवाली मुबारक हो। दिवाली मुबारक हो सर। इसीलिए तो प्रद्युमन सर, देश इज प्राउड ऑफ यू सर। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल. Click the show links and enjoy watching the videos.